पीपीएफ अकाउंट जो कि पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, जिसमें आप हर साल लगभग 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं और सरकार आज की तारीख में इस पर 7.9% का ब्याज भी देती है। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। आज हम जानेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि साल का अब वो वक्त आ गया है जब ज़्यादातर नौकरी पेशा मौजूदा वित्त वर्ष में की गई बचत और निवेश के सबूत जुटाकर अपने अपने ऑफिसों में जमा करने की जद्दोजहद में नजर आते हैं। इन्हीं में से एक होती है इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C, जिसके तहत की गई बचत और निवेश जिसमें सभी को टैक्स छूट दी जाती है, और इसी में शामिल होता है बीमा के प्रीमियम के तौर पर जमा कराई गई रकम, होम लोन की किस्तों में ब्याज के साथ साथ चुकाए जाने वाला मूलधन की रकम, बच्चों की पढ़ाई पर ट्यूशन फीस के रूप में खर्च होने वाला रकम, और NSC में निवेश किए गए रकम, और लोक भविष्य निधि यानी कि PPF में निवेश किया गया अमाउंट, जो कि कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की रकम पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। सो इस धारा के अंतर्गत किया गया निवेश आज की तारीख में आपका टैक्स बचाने का सबसे अच्छा और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता देने वाला है, जिसमें कि हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है और इस पर सरकार आज की तारीख में 7.9% का ब्याज देती है, जो कि आपकी बचत में जुड़ता चला जाता है। ये खाता किसी भी डाकखाने यानी कि पोस्ट ऑफिस या फिर चुनिंदा बैंकों की ब्रांचेस में खोला जा सकता है, और इसमें जमा कराया गया अमाउंट ठीक 15 साल के बाद आपको ब्याज के साथ वापस दे दिया जाता है। इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि ये सरकारी योजना EEE श्रेणी की होती है, जिसका मतलब होता है आपको न सिर्फ निवेश की गई रकम पर टैक्स छूट हासिल होता है, बल्कि उस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है, और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली संपूर्ण राशि पर कोई भी आयकर नहीं देना होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 15 सालों में आप कितनी रकम जमा कर पाएंगे, कुल कितनी रकम आपको हासिल होगी, और एक पीपीएफ खाते से आप कुल मिलाकर कितनी रकम बचा पाएंगे? अगर कोई इंसान अपने पीपीएफ खाते में हर साल पूरी रकम यानी कि 1.5 लाख रुपए जमा कराता है और ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे खाते की मैच्योरिटी के समय थोड़े बहुत नहीं पूरे 43,60,517 रुपए हासिल होंगे, जिस पर उसे कोई टैक्स भी नहीं देना होगा। यानी कि 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हुए आपने अपने खाते में 22,50,000 रुपए जमा किए थे, और अब आपको 21,10,517 रुपए कर मुक्त ब्याज मिलेगा। आपके पीपीएफ खाते से आपको सिर्फ ये ब्याज ही हासिल नहीं होता, बल्कि 15 साल तक निवेश के दौरान भी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पहलू इसका ये होता है कि जब आप पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपए 15 साल तक जमा करते रहते हैं, तो सिर्फ उतना ही पैसा नहीं बचाते, इसकी बदौलत आयकर दरों के हिसाब से आपने हर साल 46,800 रुपए का इनकम टैक्स भी बचा लिया है। अगर आपकी इनकम 20% आयकर की स्लैब में आती है, तब भी आप कम से कम 31,200 रुपए प्रति वर्ष टैक्स के रूप में बचा लेते हैं। तो अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो ब्याज के तौर पर 15 साल खत्म होने के बाद मिलने वाला 21,10,517 रुपए के रकम के अलावा आप 7,02,000 रुपए आयकर के रूप में भी बचा लेते हैं। तो पीपीएफ खाते से आपने कुल मिलाकर 22,50,000 रुपए के निवेश पर 28,12,517 रुपए कमा लिए, जिन पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो पीपीएफ अकाउंट के पर किस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।